हेलो दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों जब आप शादी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आता है मुझे तो वही मूंग की दाल के चीले बहुत अच्छे लगते हैं तो आज मैं वही शादी वाली मूंग की दाल के चीले बनाने जा रही हूँ घर पर तो इसके लिए लिया मैंने एक कप मूंग की दाल ले लिया उसको अच्छे से धोकर दस मिनट उसको सौखने के लिए रख दिया है फिर मैंने इसको मिक्सी में दो चम्मच मैंने इसमें डाली है सूजी और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया थोड़ा पानी डालकर और देखिए इस तरह से इसको हमें ग्राइंड कर लेना है अच्छे से और फिर इसमें डालना है हमें थोड़ा सा नमक और हल्दी आधी चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ सब्जियाँ चॉप करनी जैसे टमा टमाटर मैंने यहाँ पे चॉप किए हैं मेरे पास चॉपर है इससे मैंने चॉप किए हैं शिमला मिर्च और प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया है उसके बाद एक बाउल चॉप्ड शिमला मिर्च और ऑनियन फिर मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी लिए है आधी कटोरी और एक कटोरी पनीर कर कद्दूकस करके ले लिया अभी हम इसको ऐसे ही साइड में रख देंगे इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे फिर लिया एक बाउल में मसाला बनाएंगे एक चम्मच देगी मिर्च एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच काला नमक एक चम्मच सादा नमक और फिर डाला है मैंने यहाँ पे चाट मसाला एक चम्मच इन सब का मसाला बना लिया यहाँ कटोरी में लिया पानी और इसमें डाल दिया नमक और अब मैंने अपनी जो हमारी स्टफ्ड था जो भर भरबन था इसमें मैंने नमक डाला है क्योंकि पहले डाल देती तो ये पानी छोड़ देता अब मैंने तवे पर डाला है ये नमक वाला पानी इससे आपका चीला बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और इस तरह से बैटर फैला के इसको हमें गोल गोल घुमाते जाना है चमचे को और आराम से ये चीला आपका फैलता जाएगा बहुत ही सुंदर सेब बनेगी इस तरह से आप डाल दिए इस पर ऑयल और फिर उसके बाद इस पर जो भी आपने भरवन बनाया है इसके जो स्टफ्ड आपने मसाला बनाया है वो भर दीजिए और ऊपर से टमाटर लगा दीजिए आप चाहें तो इसमें सौस या म्योनी वो भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं आज कुछ नहीं लगाऊंगी जो मसाला मैंने बनाया है सिर्फ मैं उसको ही इसके ऊपर डालूंगी और जब ये सीख जाए आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा सीखते ही आप इसको उतार लीजिएगा अपना और इसको आप पिज्जा कटर से या किसी भी चाकू से आप इसकी कटिंग कर लीजिए बहुत गर्म है दोस्तों हाथ भी जलने का डर रहता है जब कभी कभी जल्दी में हम काम करते हैं और इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है और ये इस तरह से आप फोल्ड करके खाएंगे घर में सभी को बहुत पसंद आने वाला है बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये और मेरे बच्चे तो खाकर इसको वाह वाह करने लगे तो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो काम का लगा हो तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन बटन ना दबाना भूलें क्योंकि इससे मेरी रेसिपी का आपको पता चलेगा तुरंत तो बनाइए खाइए बहुत ही टेस्टी है यमी है और मेरी वीडियो को लाइक करते जाइए थैंक यू दोस्तों